विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्धतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदांताम्बुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरुः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तं नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। तत्रैव गंगा यमुना च बेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसंगः। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। भगवति तव तीरे नीरमात्रासनोऽहं विगत विषय तृष्ण कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदो। निराकारं भजन्ते के नराकारं तथा परे भयन्तु ताप संतप्ता निराकारं उपास्महे। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्च अथ शब्दश्च दोयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अश्रण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए जीव को अपने कल्याण के लिए दुख और मृत्यु की निवृत्ति के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। तो भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद और वेद स्वयं नहीं बोलता है, इसलिए जो वेद को पढ़ाते हैं गुरु हैं। तो गुरु के द्वारा और वेद के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो ब्रह्म का स्वरूप वेद में क्या है सो गुरु बताते हैं। सुनो, सृष्टि के आदि में एकमेवा द्वयम् ब्रह्म हो नेह नानास्ति किंच। जब ये संसार नहीं था तब एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही था। ब्रह्मोपनिषद सुनाते हैं, 108 उपनिषदों में से ये ब्रह्मोपनिषद है। तो ब्रह्मोपनिषद में लिखा है कि उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म से रज्जव अहिरिव रज्जु में सर्प के समान अव्यक्त का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे रज्जु में झूठा ही सर्प प्रकट हो जाता है, ऐसे ही वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अव्यक्त का प्रादुर्भाव हो गया। अव्यक्त इसलिए कि पहले वो व्यक्त नहीं थी, प्रकट नहीं थी, अव्यक्त इसलिए कहते हैं। इसी को परमात्मा की शक्ति कहते हैं, इसी के द्वारा सृष्टि होती है। परमात्मा पुरुष है और ये माया शक्ति है, इसका प्राकट्य हो गया अपने आप। तो अव्यक्त इसका नाम ये था कि पहले व्यक्त नहीं थी ये, फिर व्यक्त भाई। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्मिदं प्रसूयते। अव्यक्त नाम की ये परमात्मा की शक्ति अनादि है, पता नहीं कब से है। अविद्या भी इसी को कहते हैं, अज्ञान भी इसी का नाम। तीन गुण वाली है, सत्गुण रजोगुण तमोगुण, इसलिए इसका नाम त्रिगुणात्मिका है। परमात्मा की शक्ति है इसलिए इसका नाम परा भी है।
और अद्भुत कार्य करती है, मने असंभव को संभव कर दिखाती है। अघटन घटना पटी ऐसी माया जो नहीं हो सके, असंभव हो, उसको घटा के दिखा देती है, बना के दिखा देती है। जैसे ये संसार है जो हम आप देख रहे हैं, ये कोई ईंटा पत्थर चूना गारा से नहीं बना है, माया ने बना दिया है और क्षण मात्र में बना दिया है। तो ये आश्चर्य का काम है, ये अद्भुत काम है, कोई कर नहीं सकता। बिना ईटा पत्थर चूना गारा के बिना ये संसार बना दिया, सामग्री कुछ नहीं लिया, ये अद्भुत काम किया है माया ने। हमारे तुम्हारे शरीर इंद्री मन बुद्धि प्राण, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ बामन बराह नृसिंह आदि, ये ईश्वर के जितने शरीर हैं वो सब माया ने बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदिक देवता और रावण आदिक दैत्यों को माया ने क्षण मात्र में बना दिया। सभी मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र नर किन्नर गंधर्व नाद, ये सब सृष्टि क्षण मात्र में बना दिया, इसलिए इसका नाम माया रखा गया। अद्भुत काम करने से ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ये वेद कहता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड ये माया एक क्षण में रचती हो बिना सामग्री के, इसलिए इसका नाम माया। ज्ञान से नष्ट हो जाती है इसलिए अविद्या ज्ञान भी इसको कहते हैं। परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा के अधीन रखती, परमात्मा का ज्ञान होने से फिर ये परमात्मा में ही समा जाती है, इसलिए इसको शक्ति कहते हैं। सचित आनंद परमात्मा है उसी में समा जाती, वैसे तो ये झूठी है जैसे छाया झूठी है। तो पुरुष में जैसे पुरुष सत्य है, जैसे छाया पुरुष में समा जाए तो छाया भी सत हो जाती है, ऐसे ही माया परमात्मा में जब समा जाती है तो ये भी सती हो जाती है, वो अलग से झूठी है। जैसे जल में जो तरंगें उठती हैं वो बिल्कुल झूठी हैं, जल ही सत्य है। तरंगों को हाथ में पकड़ो तो क्या आएगा, जल आएगा, क्योंकि तरंग झूठी चीज है। आंखों से दिखाई जरूर पड़ती है, लहरें हैं बुलबुले हैं, पकड़ो तो जल है, झूठी वस्तु है। परंतु ये तरंगें झूठी हैं, बुलबुले झूठे हैं, पर जल में समा जाएंगे तो सत्य जल ही हो जाएंगे। ऐसे ही तरंग के समान, बुलबुले के समान, छाया के समान ये माया जब अपने कारण में समा जाती है, सच्चिदानंद ब्रह्म में समा जाती है, तो ये भी सती हो जाती है, मन सतरूप सच्चिदानंद ब्रह्म रूप ही हो जाती है। मिथ्या वस्तु झूठी वस्तु सत्य में मिलकर सत्य हो जाती, यही नियम देखने में आता है। इस प्रकार से वे गुरु पढ़ाते कि हे शिष्य ब्रह्मणो अव्यक्तम, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म से पुरुष की छाया के समान, रज्जु में सर्प के समान, स्थाणु में पुरुष के समान,
मरुभूमि में मृग तृष्णा के जल के समान ये अव्यक्त नाम की माया का प्रादुर्भाव हो गया, झूठा ही। फिर कहा उस अव्यक्त नाम की माया से महत्तत्व प्रकट हो गया, महत्तत्व किसको कहते हैं, महत्तत्व कहते हैं समष्टि बुद्धि को, सब बुद्धि के एक बुद्धि ही थी पहले सृष्टि में, बहुत बुद्धि तो थी नहीं, इसी का नाम ब्रह्मा है, इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूत्रात्मा कहते हैं, इसी के नाम है। सब बुद्धि के एक बुद्धि पहले प्रकट भई, ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तात् महत्, इसी को महत्तत्व कहते हैं। फिर क्या हुआ, कहा पर समष्टि बुद्धि रूप इस महत्तत्व से अहंतत्व प्रकट हो गया। अहंतत्व क्या है, समष्टि मन का नाम अहंतत्व है, हमारी तुम्हारी सबकी एक एक बुद्धि है, एक एक मन है, तो सब मन का जो एक मन है उसका अहंतत्व कहते हैं, वो प्रकट हुआ। फिर समष्टि मन रूप अहंतत्व से क्या प्रकट हुआ, कहा पंच तन्मात्राणी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्रा है, शब्द और स्पर्श और रूप और रस और गंध ये पंच तन्मात्रा प्रकट हो गए। फिर पंच तन्मात्राओं से क्या हुआ, कहा पंच तन्मात्रे भी पंच महाभूतानि, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का प्रादुर्भाव हुआ। सो पंच महाभूत क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं, ये प्रकट हो गए। फिर पंच महाभूतों से क्या हुआ, पंच महाभूते भ्यो अखिलम जगत, पंच महाभूतों से ये सारा जगत हो गया, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादिक सब देवता रावण आदि उमा रमा ब्रह्मानी, ये सब देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र गंधर्व नर किन्नर नाग पंच महाभूतों से हो गए। अब देखो ये माया की महिमा, इतना रूप धर लिया है उसी अव्यक्त नाम की माया ने। तो अब ये माया को असर जग दुख रूप बताया, फिर ये कैसे रूप कैसे बनाया इसने, इसमें शक्ति सामर्थ्य कहां से आई है बहुत रूप बनाने की, कहा उसे वो ब्रह्म चेतन है ना, तो उसकी दृष्टि पड़ रही है इस पर, चेतन की दृष्टि पड़ती है, चेतन देखता है इस माया को, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है ना चेतन, सत्चित आनंद है ना, तो चेतन होने से उसकी दृष्टि पड़ने से तो वो प्रेरक बन गया, जैसे बिजली मशीनों को प्रेरणा करती, चुंबक लोहे को प्रेरित करता है तो अपने आप घूमने लगता है लोहा, बिजली मशीनों को प्रेरित करती है तो मशीनें अपने आप चलने लगती हैं बिजली के आते ही, ऐसे ही चेतन परमात्मा ब्रह्म कि प्रेरणा से ये माया इतना रूप धर लिया।
बुद्धि, मन, इंद्रियां, शब्दादि विषय, पंच महाभूत और संपूर्ण चराचर जगत, देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, माया ने इतने रूप धर लिया। तो गुरु शिष्य को ये वेद पढ़ा रहे, वह ब्रह्म है जिससे माया प्रकट भई, बुद्धि समष्टि, बुद्धि समष्टि मन, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत और फिर सारा संसार। फिर यह सदा नहीं रहता, जैसे क्रम से उत्पन्न हुआ है वैसे ही उसी ब्रह्म में फिर समा जाता है। सारा संसार पंच महाभूतों में मिल जाते हैं, ये हमारे तुम्हारे सबके शरीर पंच महाभूतों से बने हैं। छिट जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये माया क्या है, इसी को सीता भी कहते हैं, और जो माया का दृष्टा साक्षी है उसको राम कहते हैं। इसलिए सारा संसार सिया राम का स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। ये सारा ब्रह्म से प्रकट हुआ जो संसार है, माया है, ये सब सीता का स्वरूप है। और जो ब्रह्म है दृष्टा इस माया का, उसको राम कहते हैं। तो वह सीता और राम दो ही हो गए, दृश्य सीता है और दृष्टा राम है, तीसरा कोई है नहीं। हे शिष्य, हमारा तुम्हारा स्वरूप जो जीवात्मा है वो भी दृष्टा है, वो राम ही है। माया के जितने भी नाम रूप ये बने हैं संसार, सब में राम व्यापक है और सब में बैठकर ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सबकी आत्मा राम है और वही देख रहा है। दूसरे में दृष्टापन है नहीं, माया में तो दृष्टापन नहीं है, इसलिए वो सब सीता का स्वरूप है और देखने वाला राम है और तीसरा कोई है नहीं। सारा दृश्य सीता, हमारे देह इंद्री मन बुद्धि प्राण सीता है, इसमें बैठ के देखने वाले हम राम, इन्हीं को माया ब्रह्म कहते, इन्हीं को प्रकृति पुरुष कहते, इन्हीं दोनों का नाम लक्ष्मी नारायण है, इन्हीं को गौरी शंकर कहते। अनेक नामों से ये माया ब्रह्म सीता राम ही पुकारे जाते हैं। दो ही हैं, तीसरा तक तो कोई नहीं। तो जो देखता है वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है दृष्टा, और जो दृश्य है वही सीता है, वही राधा है, वही लक्ष्मी है, वही गौरी है, वही माया है, वही प्रकृति है। वो दो ही का वर्णन मिलता है सर्वत्र, प्रकृति और पुरुष कहो, पति और पत्नी कहो। माया पत्नी हो गई, सीता पत्नी हो गई, तो राम माया पति हो गए, तीसरा कोई है नहीं। अब इन दोनों में हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, और देह इंद्री मन बुद्धि प्राण ये दृश्य है, ये दृश्य सब सीता है, यही राधा है, यही लक्ष्मी का रूप है जो दिखाई पड़ रही, यही गौरी है, यही पार्वती है, यही प्रकृति है जो दिखाई पड़ रही। हम आप पुरुष हैं, देखने वाला पुरुष राम है, ब्रह्म है। ये छाया के समान दिखाई पड़ रही है, हम चेतन पुरुष इसको देखते हैं। ये हमेशा नहीं रहती, जैसे छाया हमेशा नहीं रहती है, जैसे ये माया भी हमेशा नहीं रहती है, बदलती रहती है। कभी प्रकट होती है देखो छाया,
कभी तो बहुत बड़ी रहती है, कभी फिर घटते घटते घट जाती है। सवेरे प्रातः काल यदि अपनी छाया देखो शरीर की, तो बहुत लंबी दिखाई पड़ती। और ज्यों ज्यों सूर्य ऊपर आता जाता है तो छाया घटती चली जाती है। अब 12 बजे दिन को जब सूर्य एकदम ऊपर आ जाता है ना, तो ये छाया ही शरीर ही में समा जाती है, फिर दिखाई भी नहीं पड़ती। ये ऐसी छाया है, हम तुम देखते रहते हैं छाया को, छाया हमको नहीं देखती है। ऐसे ही ये माया का हाल, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फिर घटती गई घटती घटती गई, फिर पुरुष में समा गई। तो जब घटती है तो सारा संसार पंच महाभूतों में पहले मिल जाएगा, और पंच महाभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्राओं में मिल जाएंगे। और पंच तन्मात्रा समष्टि मन में मिल जाएंगे, और मन बुद्धि में मिल जाएगा। अब बुद्धि ये जो निद्रा हमको तुमको रोज देखने में आती है, उसी निद्रा में मिल जाती है। यही निद्रा ही अव्यक्त है, यही प्रकट हुई है अपने आप हमारे तुम्हारे स्वरूप आत्मा ब्रह्म में। क्योंकि ब्रह्म में तो कोई कर्म नहीं है जो किसी को प्रकट करे। हम भी ब्रह्म स्वरूप आत्मा हैं, इसलिए हम में भी कोई कर्म नहीं जो निद्रा को हम प्रकट करें। हम आप देखते हैं कि निद्रा अपने आप आती है, जो हम देखते हैं निद्रा ही हमारे देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से ये निद्रा जागृत स्वप्न का रूप धर लेती है। स्वप्न सूक्ष्म रूप धारण किया और जागृत का स्थूल रूप धारण किया, और फिर जब लय होती है तो ये स्वप्न, ये जागृत का स्थूल जगत सूक्ष्म स्वप्न में लीन हो जाता है, और स्वप्न जगत फिर वही सुसुप्ति में लीन हो जाता है। और सुसुप्ति के आगे हमारा स्वरूप जिसको समाधि कहते हैं, फिर सुसुप्ति रूपी छाया हमारे चेतन पुरुष में लीन हो जाती है। चेतन पुरुष ही सत्य है, वही रहा, और ये छाया के समान प्रकट हुई। इतना विस्तार लंबी हो गई और घटते घटते घट गई, फिर पुरुष में समा गई। तो इसलिए ये झूठी है, जिसे छाया को कोई पकड़ नहीं सकता। सत्य चीज पकड़ में आती है, झूठी चीज पकड़ में नहीं आती है। छाया को कोई पकड़ना चाहे तो कैसे पकड़ सकता है, बताओ? कोई चीज हो तो पकड़ में आवे, झूठी चीज कैसे पकड़ में आएगी? भगवान कृष्ण की बाल लीला में ये कथा आती है। एक दिन भगवान कृष्ण, पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा पूर्ण कला से 16 कला से युक्त होकर उदय हो रहा था। आकाश में नजर भई, माया माता यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा था। आकाश में जब नेत्र गए नजर गई तो चंद्रमा को देखा। मैया से बोला, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, हे मैया मुझे तो ये चंद्रमा को मंगा दे, यही खिलौना मैं खेलूंगा, ये अच्छा खिलौना है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। मैया कहती है, बेटा हम पृथ्वी में रहते हैं और चंद्र बसत आकाश में, चंद्रमा आकाश में बसता है, अब मैं उसको कैसे पकड़ के मनाऊं, कैसे मिलेगा? बस रोने लगे, मचल गए, भूमि में लौट गए, गोद से उतर कर गोद में से उतर कर रोने लगे और
जमीन में लौट गए। नहीं नहीं मैया, मैं तो अभी मंगा दे। अब कैसे मैया मंगावे चंद्रमा को? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं। धौरी को पै पान न करी हूं, चोटी सिर न गुथई हूं। मैं धौरी गैया का, ये जो सफेद गैया है बहुत अच्छी, इसका दूध पीऊंगा नहीं, चोटी नहीं गुथाऊंगा। बस यही मचल मचल के रो रहे। अब भी मंगा दे। अब बड़े परेशान है मैया, क्या करे, कैसे मंगावे। इतने में पड़ोस से एक सखी आ गई, एक ग्वालिन आ गई। कन्हैया को मचला हुआ जमीन में लौटता हुआ देख करके बोली, अरे यशोदा, कन्हैया को तूने क्यों रुला रखा है? यशोदा बोली, बहन ये कहता है मुझे ये चंद्रमा खेलने के लिए मंगा दे खिलौना। भला तू ही बता मैं कैसे इसको मंगा दूं ये चंद्रमा। उस ग्वालिन ने कहा, कन्हैया तू रो मत, मैं अभी मंगा देती हूं। अब रोना बंद कर दे, मैं अभी मंगाती हूं। यशोदा ने कहा, अरे बहन तू कैसे मंगाएगी? अरे बोले अभी मंगाती हूं। वो जो चांदी का थाल रखा है उसको ले आ मेरे पास। यशोदा ने लेकर के दे दिया। कहा, वो जमुना जल भरा रखा है ना घरे में, उसको भी ले आओ। वो भी ले आए, बोले इसमें डाल दे, चांदी के थाल में डाल दिया। वो सखी बोली, कन्हैया आ गया चंद्रमा? कहाँ? अरे बोले देख ये तेरे सामने, जो कन्हैया ने देखा उस थाल में जिसमें जल, चांदी के थाल में जल भरा हुआ है निर्मल जमुना जल, उसमें चंद्रमा दिखाई पड़ा। कोई फर्क नहीं, जैसे आकाश का चंद्रमा तैसे हो जल के भीतर जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, बिंब जैसा ही प्रतिबिंब भी होता है। जैसा सच्चा चंद्रमा है वैसा ही वो झूठा चंद्रमा है। बोले मंगा दिया कि नहीं, अब खेल इसमें। फौरन कन्हैया ने उसको पकड़ने के लिए हाथ डाला कि खिलौना पकड़ूं, परंतु वो पकड़ में नहीं आता है। दिखता तो है पर पकड़ में नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि वो चंद्र की छाया है, प्रतिबिंब है, सच्चा नहीं है। ऐसे ही सज्जनों, हमारी आपकी भी छाया कभी पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि सत्य हो तो पकड़ में आवे, झूठी चीज पकड़ में नहीं आती है। झूठी चीज को पकड़ने के लिए सत्य को पकड़ना चाहिए। यदि सत्य पुरुष को आप पकड़ लो तो झूठी छाया भी पकड़ी जाएगी। सत्य पुरुष का पूजन कर दो तो ये सारा संसार माया का कार्य है, माया और माया के कार्य, सारे संसार का पूजन हो जाएगा, क्योंकि छाया रूप है। जैसे कोई कांच के मंदिर में खड़ा हो जाए कोई पुरुष, चारों देखो, चारों तरफ देखा तो हजारों छाया दिख रही हैं। जिधर निहारता है कांच के मंदिर में खड़ा हुआ पुरुष, तो पुरुष की हजारों छाया दिखती हैं,
तो पुरुष तो एक है, वो हजार है नहीं, परंतु पुरुष की छाया हजारों है। अब उन छाया को कोई पकड़ना चाहे तो कभी नहीं पकड़ सकता, पर पुरुष को पकड़े तो सब छाया पकड़ी जाए। पुरुष का पूजन कर दे तो छायाओं का पूजन हो जाए, पुरुष के गले में माला पहना दो तो सब छाया के गले में माला पड़ गया, पुरुष को चंदन लगा दो तो जितनी छाया है हजारों सबके चंदन लग गया, पुरुष को भोग लगा दो तो सबको भोग लग गया। सज्जनों, ऐसे ही पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसको पकड़ने से ये सारा संसार पकड़ में आ जाता है। क्यों झूठा है ना, छाया है ना। और पुरुष को छोड़कर कोई छाया को पकड़ना चाहे तो पकड़ में नहीं आती है। झूठी चीज कैसे पकड़ में आए सज्जनों? तो अव्यक्त से लेकर के, माया से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत जितना ये दृश्यमान संसार है, ये चेतन पुरुष परमात्मा की छाया मात्र है। इसलिए परमात्मा के पकड़ने से यह सारा संसार पकड़ में आ जाता है। पति को पकड़ने से पत्नी अपने आप पकड़ में आ जाती है, पति को छोड़कर कोई पत्नी को पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ में आती है। राम को पकड़ो सीता अपने आप आ जाएगी, नारायण को पकड़ो लक्ष्मी अपने आप, उनके जो छाया तो पीछे पीछे चलेगी ना, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है छाया, पुरुष के परवश है। पुरुष जाएगा वहां चली ही जाएगी छाया। रामायण में कथा है, जब राम वन को जाने लगे सीता तैयार हो गई, बोले मैं भी चलूंगी। तो राम ने कहा, हे सीते, वन में बहुत तकलीफ होगी, वन दुख राम कहे बहुतेरे। राम ने वन के बहुत दुखों का वर्णन किया। वन में लागे अति पहाड़ की पहाड़ कर पानी, विपिन विपत नहीं जाए बखानी। हे सीते, पहाड़ का पानी लग जाता है और पहाड़ में सिंह व्याघ बन के भयंकर जंतु घूमते रहते हैं, दहाड़ते रहते हैं, जिनकी आवाज सुन करके बड़े बड़े धीरों का धीर टूट जाता है, और वहां राक्षस असुर घूमते रहते हैं जो स्त्री पुरुषों को चुरा ले जाते हैं। इसलिए तुम वन में ना चलो, बहुत दुख पाओगी। सीता जी ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो तो मैं आपकी आज्ञा मान लूंगी। तो सीता ने क्या प्रश्न किया जरा सुनो, बड़ा मार्मिक है। राम ने कहा अच्छा पूछो, तो सीता पूछती है, प्रभा जाए कहां भानु बिहाई, कहां चंद्रिका चंद्र तज जाई, तुम करुणा कर परम विवेकी, तनु तज छाह रहत किमी छेकी। हे राम, हे स्वामी, आप सूर्य हो तो मैं प्रभा हूं, आप चंद्र हो तो मैं चंद्रिका हूं, चंद्रिका माने चांदनी, चंद्र की चांदनी, और सूर्य की प्रभा माने सूर्य की जो प्रकाश है, रोशनी, घाम धूप, तो सूर्य के अधीन है सूर्य की प्रभा, चंद्र के अधीन चंद्रिका है।
और पुरुष के अधीन छाया है। तो आप पुरुष हो और मैं छाया हूं। यदि सूर्य को छोड़कर प्रभा रह सकती हो, अलग होकर के, चंद्र को छोड़कर चंद्र की चंद्रिका अलग रह सकती हो और पुरुष को छोड़कर छाया अलग रह सकती हो, उसकी कोई सत्यता हो, सत्ता हो, तो आप कहो मैं आपकी आज्ञा से उद्धार करती हूं। तो आप पुरुष हो, मैं छाया हूं। क्योंकि आप पुरुष को छोड़कर पुरुष चला जाए, छाया रह सकती है? तो राम को कोई जवाब नहीं आया, कोई उत्तर था ही नहीं, क्योंकि सीता सत्य बात पूछ रही थी। ये ध्रुव सत्य है, झूठी चीज सत्य के आश्रित ही रहा करती है। सत्य पुरुष है, छाया झूठी है। सूर्य सत्य है, सूर्य की किरणें, सूर्य की प्रभा झूठी है नहीं, दिखाई पड़ती हैं सूर्य में किरणें। सूर्य एक है, किरणें हजार हैं, कोई गिन सकता है सूर्य की किरणें? ऐसे ही चंद्र सत्य है, तो राम चंद्र हैं। और जो चंद्रिका रोशनी है वो छाया के समान है, वो झूठी है। तो जो नेत्रों से देखने में आता है वो सब माया है, और जो देखता है वो पुरुष है। तो जो जो दिखाई पड़ता है ये राम की छाया है, ब्रह्म की छाया है। तो राम ने कहा सीते, इसका कोई जवाब नहीं है, तुम सत्य कहते हो, चलो तैयार हो जाओ। तो राम को सीता की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि कोई जवाब नहीं था उनके पास। झूठी चीज सत्य के आश्रित ही रहती है, अलग नहीं रह सकती। तो सज्जनों, ये सीता जी ने अपना स्वरूप बताया है, और सीता जी को ही माया कहते हैं। सुत सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजति पालत संघरति रुख पाए कृपा निधान की। हे राम, तुम जगदीश्वर हो, और जानकी जी कहा ये महामाया शक्ति। इस संसार की उत्पत्ति पालन संहार कौन करता है? कहा तुम्हारी ही सत्ता स्फूर्ति से सीता जी करती, क्योंकि छाया अत्यंत जड़ है। जड़ छाया परवश है, किसके? चेतन के परवश है। पुरुष एक है और छाया अनेक हैं, परंतु अपने आप उनमें कुछ भी हलचल नहीं हो सकती छाया में। यदि पुरुष हाथ हिलावे तो हजारों छाया को हाथ हिलाना ही पड़ेगा। चेतन प्रेरक है ना, ऐसे ही हमारा तुम्हारा स्वरूप चेतन पुरुष है। हमारी प्रेरणा से ही ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र सब हलचल कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। इनमें कर्म करने की जो शक्ति है वो चेतन की सत्ता स्फूर्ति है, स्वयं नहीं है, क्योंकि ये छाया रूप है ना, स्वतंत्र इनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए माया प्रेरक शिव, माया का प्रेरक ईश्वर ही है। ईश्वर की प्रेरणा बिना सीता माया कुछ नहीं कर सकती है। इस प्रकार से सज्जनों, जैसे ये उत्पत्ति होती है तैसे ही उसी ब्रह्म में फिर लीन हो जाती है। इतनी छाया बढ़ी ब्रह्म से लेकर के ये जगत पर्यंत, और फिर उसी में लीन हो गई जाकर के, फिर सच्चिदानंद ब्रह्म ही शेष रहता है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो चेतन
ब्रह्म ही है, लीन नहीं होना है, स्वरूप से ही सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु ये जो दृश्य बताया गया इतना क्रम से इतनी उत्पत्ति, यही छाया है, यही माया है, यही उत्पन्न भई है, यही लीन होगी। ना हम उत्पन्न भय ना हम लीन होंगे कहीं, ये माया है, ये छाया है, ये हमारी तुम्हारी दृश्य है, जागृत का दृश्य स्थूल है, स्वप्न का सूक्ष्म है, सुसुप्ति कारण है, उसमें लीन हो जाती है। आगे तुरी हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है, जागृत स्वप्न में लीन हो जाता है, स्वप्न सुसुप्ति में लीन हो जाती है, सुसुप्ति समाधि माने हमारे तुम्हारे चौथे तुरी स्वरूप में लीन हो जाती है। बस फिर हम ही रह गए, छाया खत्म हो गई। सबसे बड़ी चढ़ी छाया ये जागृत की है, बहुत लंबी चौड़ी। स्वप्न में पहुंचे तो छोटी हो गई, सुसुप्ति में पहुंचे तो और छोटी हो गई, और तुरी में तो ये हम ही में समा गई। हम चेतन पुरुष हैं, इन्हीं को राम कहते हैं, इन्हीं को कृष्ण कहते हैं, यही विष्णु का नारायण का स्वरूप से सब, लक्ष्मी जी का स्वरूप, सीता का स्वरूप, गौरी का स्वरूप। अब दो के सिवा तीसरा तो कोई न वेदों में शास्त्रों में सुनने में आता है, न हमारे तुम्हारे देखने में आता है। जो भी देखने में आता है वो सब दृश्य है, और दृष्टा सब में बैठ के देखने वाला एक ही है, दो नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।